आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौवीं विज्ञान विषय में जो अध्याय पहला था उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ में। पहले हमने पढ़ा था कि अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि अवस्था परिवर्तन में दाब परिवर्तन, दाब मतलब प्रेशर। आपने देखा है कि जब हम साइकिल में हवा भरवाते हैं टायर में, तो एक दाब लगाते हैं, पंप के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये जो गैस भरी हुई है, आप देखेंगे ये जो काले रंग के बिंदु दिख रहे हैं, ये गैस के कण हैं। तो ये पिस्टन के द्वारा हम जब प्रेशर लगाते हैं तो ये कण थोड़ी यहाँ से पास में आ जाते हैं। प्रेशर दाब लगाने से कण पास आ जाते हैं। हम और यदि इन पर दाब लगाते हैं तो देखिए कण और पास आ गए, और हमने पिस्टन को दबाव करके नीचे लगाया तो देखेंगे कण बिल्कुल नीचे आ गए। यदि हम इनका दाब घटा दें, आप उल्टा कर दीजिए, दाब घटा दें, तो ये कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो ईंधन, जो LPG गैस आती है ना, लाल रंग की टंकी में देखा होगा आपने, जो ईंधन के काम आती है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था में गैस को भरते हैं। जो गैस LPG जो गैस होती है उसको प्रेशर लगाकर टंकी में जब भरते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जब गैस निकलती है तो वो वापस गैस में बदल कर निकल आती है। उसको थोड़ा सा भी जगह मिलती है तो वो द्रव अवस्था से गैस में बदल जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम जब प्रेशर लगाते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। तो यहाँ ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से ठोस। तो यहाँ पर हमने जितनी भी परिभाषाएं आपने पूर्व में पढ़ी, आप उनका देखिए संक्षिप्त रूप। आपने पढ़ा संगलन मतलब गलना, कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है इसको बोलते हैं संगलन। और द्रव से, आप ये एरो देखिए, ये द्रव से ये वाला एरो, ये गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। और जब ये गैस से वापस ठोस अवस्था में बदलता है, जैसे आपने देखा ना अभी अमोनियम क्लोराइड गैस से ठोस में, तो इस क्रिया को हम बोलेंगे निक्षेपण। इस प्रकार ये गैस से ठोस में और ठोस से गैस में, तो ये इस प्रकार ये निक्षेपण आएगा यहाँ। तो इस प्रकार हम ये अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकते हैं पदार्थ। सभी पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थ हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। क्वथनांक आपने पूर्व में पढ़ा कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, पदार्थ उबलता नहीं है, क्वथनांक से कम तापमान पर वह सीधे गैस या वाष्प में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। आपने देखा है कि रोज आप कपड़े आपके धोते हैं तो गीले हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद या अभी बारिश का मौसम है तो, या एक दिन में या धूप में 2 घंटे में कपड़े आपको सूखे मिलते हैं। तो वो पानी कहाँ गया, वो पानी अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदल गया। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ये कम भी होती है और तेज भी होती है। तो इसको कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, तो पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र मतलब आप एक चादर लीजिए और उस चादर को धोकर उसको ऐसे ही निचोड़कर बिना फैलाए ऐसे आप टांग दीजिए, और दूसरा चादर उतने ही नाप का लीजिए और उसको आप निचोड़कर अच्छे से फैला दीजिए, आप देखेंगे कौन सा चादर जल्दी सूखा। जिसको आपने अच्छे से फैलाया था, जिसका सतह क्षेत्र क्या हो गया था, बढ़ गया था, क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ने से उसके सभी जगह से पानी वाष्प बनकर उड़ गया तो वो जल्दी सूख गया। तो वाष्पीकरण को क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र प्रभावित करता है। दूसरा है ताप। आपने देखा ना गर्मी में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं तो उस समय ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीसरा है आर्द्रता में कमी।
जिस हवा में नमी होती है, नमी समझते हो ना, हवा में पानी की भाप भी रहती है, उसको हम नमी कहते हैं। आर्द्रता में कमी, यदि आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी। वायु की गति बढ़ने पर, हवा तेज चलने पर, आपने देखा कि कोई चीज़ जो गीली है वो आसानी से सूख जाएगी, मतलब वाष्प तेजी से बनेगी। तो इस प्रकार वाष्पीकरण का हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो कण है, आप पढ़े हो ना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो जो कण है वो अपने आसपास के कण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। जब वो दूसरे कण की से ऊर्जा लेते हैं तो दूसरे कण में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वहाँ पर कुछ शीतलता या ठंडक आ जाती है। जैसे मटके में पानी भरा हुआ है, हम कण को ए और बी नाम दे दें, ए वाष्प बनकर उड़ रहा है तो वो बी से क्या लेगा, ऊष्मा लेगा, अवशोषित करेगा, तो बी में ऊष्मा की क्या हो जाएगी, कमी, और धीरे धीरे सभी कण एक दूसरे से आपस अवशोषित करेंगे ऊर्जा और वाष्प बन के उड़ जाएंगे, और जो मटके में रखा हुआ पानी है वो ठंडा हो जाएगा। दूसरा एक उदाहरण है नेल पॉलिश रिमूवर। आपने कभी नेल पॉलिश रिमूवर से हटाया है, वो एक रासायनिक पदार्थ है एसीटोन। जब उसको आप नाखून पर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए हमें ठंडक प्रदान होती है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है कि कण अपने आसपास से ऊर्जा शोषित करते हैं और वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। अब यहाँ इससे संबंधित एक प्रश्न भी आता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है और जो सूती कपड़े होते हैं उनमें पानी को सोखने की क्षमता, अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पानी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और इनका पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो ये कपड़े हमारे शरीर से चिपके हुए रहते हैं, तो ये हमारे शरीर से क्या ले लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, और इस प्रकार ये पसीने में जो पानी है ये वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। अभी तक हमने द्रव की तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस पूर्व में। अब वैज्ञानिक पदार्थ की पांच अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। अभी जो मुख्य तीन है वो हमने उनके बारे में देख लिया। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, इसका भी मेडिसिन में बहुत उपयोग होता है। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। अभी इसके बारे में इस आपको अभी इस अध्याय में नहीं है, आपको मैंने मुख्य तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। धन्यवाद।